लग रहा है सचान अप्रोच में हर जगह हर कोई बस आवाज उठा रहा है लेकिन अंत में सवाल तो ये अरे क्या है प्लीज तेरी रैक नहीं अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ हो गया मेरी बच्ची का चारे के टीआर रिस वाले जाओ यहाँ से पता नहीं क्या लगा रखा है अरे जाओ यहाँ से कुछ नहीं होगा
ये लोग सब भूल जाएंगे, एक हैशटैग बनाकर सब भूल जाएंगे ये लोग, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या करूं? मैं सिस्टम से लड़ूंगा, मैं क्या करूंगा? कौन सा सिस्टम बाबा, कौन सा सिस्टम बाबा? इस गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है हम डॉक्टरों से, हम औरतों से। आप बस इतनी दुआ करो बाबा कि आप किसी बेटी के बाप दोबारा ना बनो, और बनो तो उसको कभी सपने दिखाने की गलती मत करना, क्योंकि इस देश में कभी वो सपने सच नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं बाबा, कभी नहीं। अरे भाई, स्त्री होती क्या है? मर्द के पांव की जूती होती है स्त्री। एक स्त्री को कि औकात क्या है, घर से बाहर कदम रखने का कोई हक नहीं है उसे। अरे भाई, मर्द को खुश रखे, बच्चे पैदा करे, भाई यही काम है स्त्री का। और भैया, अगर ज्यादा चू चपाड़ करी तो इन्हीं स्त्रियों के पाल खींच कर सड़क पर फेंक दो, बलात्कार कर दो, या तो जला दो। अरे क्या क्या हो रहा है? नहीं नहीं, इस समाज, इस राज्य, इस राष्ट्र की यही सोच है। कुछ भी पूछ नहीं, हमारी ऐसी सोच है। यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते रमनते तत्र देवता। अरे भाई, कहाँ है वो देवता जो इन स्त्रियों को इन दरिंदों से बचाएगा? मुझे सिर्फ एक चीज नजर आती है आपके और यही समक्ष, लोगों के समक्ष सिर्फ एक राक्षसों का राज, सिर्फ और सिर्फ राक्षसों का राज। आज भी आजादी को 78 साल हो गए, और महिलाओं के प्रति अत्याचारों को कितने साल गड़े हैं इस आयुष्मान भारत ने? अरे भाई, कोई है जवाब? कोई है? चुप्पी सवाल का जवाब है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं भारत में हर 16 मिनट एक महिला का बलात्कार होता है। यह सिर्फ संख्या नहीं है, ये हमारी असफलता की कहानी। हर 16 मिनट महिला का जीवन बर्बाद हो जाता है, उसके सपने टूट जाते हैं और उसकी आत्मा पर गहरा घाव लगता है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये तो हमारी माँ, बहन, बेटी और दोस्त है। गीता, पुराण, बाइबल, ना जाने किन किन पवित्र पुस्तकों के पन्ने जब स्त्रियों को देखते हैं तो चिपक जाते। आज भी इतने आंदोलनों के बाद मेरा, आपका और यहाँ सभी उपस्थित लोगों का दिल एक आशा की किरण ढूंढता जरूर है। हम सबका दिल बोलता जरूर है, पर कहीं ना कहीं हम यही चाहते हैं कि भारत की हर बेटी, चाहे वो 2 साल की हो, चाहे एक डॉक्टर हो, चाहे एक इंजीनियर, पर जब बात एक इंसान की होती है तो जब घर से बाहर निकले तो उसे 2 सेकंड की आखिर कब तक सहते रहोगे यार तुम सब लोग? आखिर कब तक ये नेता, ये राजनेता जो सिर्फ हमसे झूठे वादे करते, जिनकी जुबानों पर पता है क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ झूठ। अभी नहीं तो कभी नहीं।
तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे अभी जिसका खून खोला वो नहीं वो पानी है। अरे अभी जिसका खून खोला वो नहीं वो पानी है। अभी जिसका खून खोला वो नहीं वो पानी है। अभी जिसका खून खोला वो नहीं वो पानी है। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो।